जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू करने लगे हैं। तो लेक्चर नंबर वन है हमारा केमिस्ट्री पार्ट टू का। तो लेक्चर नंबर वन केमिस्ट्री पार्ट टू, हम जहाँ से हमने छोड़ा था, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम रिएक्शन जो है ना पढ़ रहे थे। इसके रिएक्शंस तीन तरह के हमने देखा था। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, तीन रिएक्शन हमने इसमें पढ़े थे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन एटम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, ये टेक पार्ट करता है। या अपन कहते हैं रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन हमने तीन किस्म के पढ़े थे वो था रिएक्शन विद बेसिस के साथ। बेसिस के साथ क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता था। दूसरा हमने पढ़ा था रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स के साथ क्या बनता था, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी। और तीसरा रिएक्शन हमने इसमें पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है और साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेकंड टाइप के रिएक्शन हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओएच ग्रुप, जिसमें ओएच ग्रुप इन्वॉल्व होता है, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये टेक पार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये दो रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं। एक है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। पहला रिएक्शन है विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इसमें एसिड हैलाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एसिड हैलाइड्स। और सेकेंड जो रिएक्शन है ये है विद इसके साथ जी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो ये एस्टर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होती है। ठीक है, तो ये दो। और इसके अलावा और भी रिएक्शन है विद PCl3 के साथ भी है, रिएक्शन विद PCl3 और रिएक्शन विद PCl5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो देखिए ये हमारे पास जो इस थायोनाइल क्लोराइड आपका पता है CL2 थायोनाइल सल्फर, थायोनाइल जैसे कार्बोनाइल है इसी डबल बॉन्ड हो, इस तरह थायोनाइल होगा ये सल्फर होगा एस डबल बॉन्ड हो, और ये दोनों क्लोरीन है। ठीक है, तो अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा, देखिए ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC1OH प्लस ये है थायोनाइल क्लोराइड। तो आपने पढ़ा था ये क्या बनेगा, यहाँ से ये चलो ये Cl मिलके HCl, ये SO और ये ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड OH चला गया। अब इस OH की जगह क्या आ जाएगा, ये क्लोरीन इस OH की जगह ले लेगा। तो क्या कुछ बनेगा यहाँ पे, RC CL प्लस HCl बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ये है एसिड हैलाइड एसाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे एसाइल, ये एसाइल होता है, ये बोलो एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास बनेगी। अगर हमारे पास PCl3 है तो देखें रिएक्शन में PCl3 के साथ, तो जैसे अल्कोहल रिएक्ट करती है PCl3 के साथ, सिमिलरली ये रिएक्ट करेगा RC1OH प्लस PCl3। अब ये OH चला जाता है, ये P के साथ मिल रहा है और ये तीन क्लोरीन है, इसका मतलब है तीन एसिड ये होंगे, तीन एसिड से तीन OH निकलेंगे और तीन क्लोरीन उनकी जगह लेंगे। एक तो ये बनेगा RC1OCl प्लस क्या बनेगा इसमें, प्लस देखिए H3PO3
PO3, ये है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है विद PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या कुछ बनेगा, देखिए ये हमारे पास RC(OH) है प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो बिल्कुल वैसे ही ये फास्फोरस, देखिए PCl5 पहले चेंज होगा PCl3 में और Cl2 में, आर डीकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पे ये HCl क्लोरीन के से मिलके हाइड्रोजन Cl HCl बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इस PCl3 से कंबाइन करेगा POCl3 बना देगा और इस OH को जो है ये Cl रिलीज कर देगा इसे। तो क्या कुछ बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो Cl प्लस HCl प्लस फास्फोरस ऑक्सीट्राइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। तो ये तीनों रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें OH रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह हैलोजन ले रहा है, ठीक है। और ये सब हैलाइड जो है ये बन रहे हैं। नो इसका जो है ना मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, ये वाला जो रिएक्शन है ना रिएक्शन कार्बाइल क्लोराइड, इसका मैकेनिज्म भी आपने स्टडी करने के बाद, क्योंकि दो के मैकेनिज्म नहीं दिए हुए, हम रिएक्शन जो ऊपर वाला रिएक्शन है थायरोमाइल क्लोराइड का उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। मैकेनिज्म देखिए हमारे पास ये है इसे आर सी डबल बॉन्ड हो OH प्लस थायरोमाइल क्लोराइड क्या है SO Cl2। तो इसका पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, ये कंडेंसेशन हो जाएगी, HCl यहाँ से रिमूव होगा और ऑक्सीजन के साथ S डबल बॉन्ड हो Cl जो है ना ये अटैच हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड हो ओ एस डबल बॉन्ड हो Cl प्लस क्या बनेगा HCl, HCl हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन, ये दो आयन साथ बनेंगे। उसके बाद ये जो है प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड को एस डबल बॉन्ड Cl, इसके साथ अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा, कैसे इन्वॉल्व होगा, देखें ये दोनों ऑक्सीजन आइटम है ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इसके ऊपर पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो क्लोरीन है ना ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगी कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आर ओ नेगेटिव हो जाएगा इसके साथ, ये Cl हो गया ओ एस डबल बॉन्ड हो Cl, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है RCO नेगेटिव Cl O S डबल बॉन्ड Cl, ये क्या करेगा, ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही लेगा, इसने दोबारा यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड बनाना है और साथ ही ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेंगे यहाँ पे आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचता है क्लोरीन ले लेगा Cl नेगेटिव लेट हो जाए। तो देखिए क्या कुछ बन जाएगा, एक बनेगा RC डबल बॉन्ड हो Cl, RC डबल बॉन्ड हो Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। एसिड क्लोराइड बन गए, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई है और साथ Cl नेगेटिव जो है ना ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगी। फिर से होगी फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड थायरोमाइल क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं, HCl रिमूव होता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है RC डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl। सेकेंड स्टेप में ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो कार्बन और कार्बन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इट बिहेव एज ए
इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके ऊपर अटैक करता है कार्बन एंड कार्बन के ऊपर, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन पुशअप होकर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट होते हैं कार्बन की तरफ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, और ये इलेक्ट्रॉन साथ ही ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर बना लेता है डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन आगे ले जाते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है, सी एल नेगेटिव अलहदा हो जाता है, और ये आर सी डबल बॉन्ड हो सी एल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारी बनेगी, ठीक है जी। तो इसमें भी ओएच देखें तो ओएच प्लेस हो रहा है और उसकी जगह सी एल ले रहा है। अब इसी का सेकेंड जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर फॉर्मेशन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर जो है वो कैसे बनता है? एस्टर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, क्या बनाता है एस्टर और साथ वाटर बनता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड कैटालिसिस में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 सी डबल बॉन्ड OH, अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड मिनरल एसिड HCl वगैरह की प्रेजेंस में इसका OH और इसका H ये मिलकर वाटर बन जाएगा, और ये ओ C2H5 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे CH3 सी डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस क्या बनेगा वाटर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये वाला ये क्या है इथाइल, ये इथाइल है और ये एसिड है इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट और इथाइल एसिटेट एक एस्टर, दिस इज एन एस्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एस्टर जो है ना ये प्रोड्यूस होगा। नो ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इसका जो मैकेनिज्म है ये अभी हम देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा। मैकेनिज्म में मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म इसका इस तरह है कि देखिए हमारे पास जो है ना डिफरेंट स्टेप्स को इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये सब जो है हमारे पास ये सब कैटलिस्ट है, जैसे HCl जैसे एक्सपोजर कैटलिस्ट है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज होगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है दे एक्ट एज ए एक्चुअली इनिशिएटर, ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है। कैसे इनिशिएट करता है देखिए हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला जो स्टेप है वो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेशन इन एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐड होगा, यानी ये हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड OH, ये प्रोटॉन है जो ये सब कैटलाइजेशन से बने। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना ये वाला जो ऑक्सीजन है ना जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन इसके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इनमें कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या बनेगी सी डबल बॉन्ड OH OH, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है तीन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है जी। तो दिस इज ओजोनियम आयन, इसको कहते हैं ओजोनियम आयन, ओजोनियम आयन में ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है, इस आयन को हम क्या कहते हैं ओजोनियम आयन। दूसरा स्टेप है अब ये ओजोनियम आयन बना है तो सेकंड स्टेप इसमें आएगा अटैक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अटैक, अल्कोहल जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा,
देखिए ये हमारे पास एसर है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो एच फाइव हो गया सी टू एच फाइव ओ एच एल्कोहल पर बॉक्स तो इसके पास भी क्या है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन में खींचेगा जो कार्बन के ऊपर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये जो न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन ले करेंगे रोटेट करेंगे और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगी सी एस थ्री सी और जो ये अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन पाई टूट के ये ऑक्सीजन पर आ जाएंगे ओ एच यहाँ पे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है और सी टू एच फाइव एल्कोहल में ये अपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे और ओ एच ये जो है ना ये प्रोडक्ट बनेगा जो भी ऑक्सीजन से क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा क्योंकि ये कितने बॉन्ड बना रहा है तीन बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये होगा ठीक है तो ये है डाइट ऑफ एल्कोहल तीसरा है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर थर्ड स्टेप क्या है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर यहां पे ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाला जो हाइड्रोजन आयन ये ट्रांसफर होता है लेकिन ये हमारे पास प्रोडक्ट है सी एस थ्री सी ओ एच ओ एच और यहाँ पे है ये ओ एच और ये इथाइल है सी टू एच फाइव इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो है ना ये ऑक्सीजन जो है ना इसके पास लोन पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं सी एच थ्री सी ओ एच ओ एच टू हो जाएगा ये यहाँ पे ओ सी टू एच फाइव और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है नाउ लास्ट स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन प्रोटॉन और वाटर निकलेगा डीहाइड्रेशन कहते हैं वाटर की एलिमिनेशन को और प्रोटॉन के रिमूवल को कहते हैं डीप्रोटोनेशन तो ये दोनों स्टेप्स होंगे कैसे हुए देखिए ये है हमारे पास सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव है यहाँ पे क्या है ओ एच है इधर क्या है एच और एच ये वाटर है वाटर इज द बेस्ट एलिमेंट ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से ये निकल जाएगा ठीक है वाटर निकल गया और यार जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ ही प्रोटॉन भी निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ सी टू एच फाइव सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ सी टू एच फाइव प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन इस तरह से इथाइल एसीटेट एस्टर बनेगा साथ वाटर और हाइड्रोजन तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर चार स्टेप इसमें हमने पढ़े प्रोटोनेशन अटैक ऑफ एल्कोहल हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर और एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आयन ठीक है तो इसको आप देख लें एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें ये अक्सर एग्जाम में भी आ चुके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है ये इसका मैकेनिज्म इसको बार बार लिख के याद करें इंशाल्लाह ये आपको सारे स्टेप्स जेहन में रहेंगे।